जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा दिसंबर 2024 फाइनली पार्ट 2 दिसंबर जो कि रुझाना परीक्षा होने वाला है उसका 100% असली पेपर लेकर आ चुका हूं। आपका पेपर 70 रंग का होने वाला है। बाकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में पेपर होने वाला है। 3 घंटा टाइम होने वाला है। 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपका पेज नंबर 8 होने वाला है। ज्योग्राफी का पेपर है। तो फाइनली इस पेपर का A to Z सोल्यूशन भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि लास्ट में मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सबूत देख लो। 100% असली पेपर में ये सबूत होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 120 आपको यहाँ पेपर कोड है, जो कि आपको पता ही होगा। R मतलब होता है रुक जाना नहीं, -12 मतलब कक्षा 12 का यह पेपर है। तो ये 100% असली पेपर है, इसे तैयार करके जाते हो तो आप 70 नंबर का आपका पेपर है। लेकिन केवल एक बार वीडियो देखकर जाते हो तो आप यहाँ पर 50 नंबर लेकर आओगे। यदि थोड़ा तैयार कर लेते हो तो 70/70 लेकर आओगे, जो कि 100% असली पेपर है। इसके बाद मैं बता दूं कि आप अपना एग्जाम सेंटर में जाओगे, अपना परीक्षा देने के बाद अपना कापी जो एंसर शीट है उसे जमा कर दोगे। जमा करने के बाद आप घर आ जाओगे, लेकिन आपके कापी के साथ क्या होगा उसे आपको पता नहीं होगा। लेकिन उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आपका जो एग्जामिनर कापी चेक करेंगे उनके पास भी एक एंसर शीट होने वाला है, जो कि इसी पेपर का उसमें सोल्यूशन लिखा रहेगा। एग्जामिनर क्या करेंगे कि आपका उस आंसर से मिलान करेंगे। यदि आप उससे मिलता जुलता लिखे हो तो नंबर दे देंगे, सटीक लिखे हो तो पूरा नंबर मिलेगा। तो 100% इस तरीके से कापी चेक होगी, जो कि आंसर से कैसा होती है वो सभी के पास नहीं होती है, जो कि हमारे पास है। चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा है, इसके बाद पेपर दिखाता हूँ। फाइनली अपना यहाँ पर देख सकते हो यह रहा आंसर शीट, जो कि आपको जो एग्जामिनर कापी चेक करते हैं उनके पास यह होता है और इसी में लिखा रहता है आंसर शीट। जितना भी टैलेंट क्यों ना टीचर हो, आपका कापी चेक करेंगे तो उनके पास एक आंसर शीट होना जरूरी है और इसी में मिलान करना भी जरूरी है। अपने मन से नहीं जांच सकते कि इसका ये होगा उत्तर, इसमें जो उत्तर लिखा रहेगा इसी के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा गया है, जो कि इसी से मिलान किया जाता है। और आप इससे लिमिटेड लिखे हो तो बना कर लिखे रहते हो तब पर भी नंबर दे दिया जाता है और सटीक आंसर पे तो पूरा नंबर मिल ही जाता है। अब देखोगे द्वंकी जो क्वेश्चन होता है उसमें बोला जाता है कि 30 शब्द में लिखो, लेकिन यहाँ पर तो छोटा सा लिखा है। यदि आप सटीक आंसर लिख के आते हो तो छोटा भी लिख के आते हो तो पूरा नंबर मिल जाता है। यदि बना कर लिखते हो तभी 30 शब्द में लिखना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो आपको पूरा A to Z आपको मिल जाएगा, 9 नंबर 10 नंबर A to Z सोल्यूशन है। तो जो कि मैं पेपर दिखाने के बाद लास्ट में दिखाऊंगा सोल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे बहुत बारीकी से। तो चलिए मैं पेपर दिखा देता हूँ और A to Z यहाँ पर सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर लास्ट पेज में जो कि नक्शा वगैरह जो भरना है यहाँ पर भर दिया गया है, यही दो नक्शा भी आने वाले हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, लास्ट में सोल्यूशन दिखाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फाइनली विद्यार्थी, तो मैंने आंसर शीट भी दिखा रखा है, अब चलिए पेपर दिखाता हूँ। पेपर के साथ मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। यदि जिसको लिखा जाए सोल्यूशन चाहिए तो लास्ट में वेट करना और लास्ट में मैं पेपर जो आंसर शीट है दिखाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर देखोगे सही विकल्प चुनकर लिखना है, तो एक एक अंक के यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपको इस तरीके से होने वाले हैं। तो मैं इसका उत्तर भी साथ में बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अ नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे, लोगों के अनुभव, मानव बुद्धिमत्ता, मानवीय भाईचारा और प्रौद्योगिकी। तो ये 4 नंबर प्रौद्योगिकी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील या आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, तो 15 से 59 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखोगे जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है, तो यही राइट आंसर लगा लेना। 2 वाला मैं लगा देता हूँ, ये रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा सा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो खेती, बुआई, व्यापार, सेवा। तो ये आप व्यापार ही तृतीय क्रियाकलाप आता है, मैंने लगा रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा यहाँ पर 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो आपको यहाँ पर पता होगा रेखी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखी प्रचलितम नगरी बस्ती है? तो यहाँ पर सिंधु घाटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। आप यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ, ये हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर 2 नंबर पर सिंधु घाटी। इसके बाद इस तरीके से इंग्लिश वाले भी अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत अच्छे से अपना स्क्रीनशॉट रखना है। ये हो जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा तो लिख लेना, लिखूंगा नहीं, लिखते समय यहाँ पर अच्छे से नहीं समझ आता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, कार्ल रिटर खाली स्थानवाद के समर्थक थे, तो नीतिवाद ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लेना नीतिवाद, तो इस तरीके से नीतिवाद लिख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यहाँ पर जनसंख्या
गलत तो लिख लेना। इसका तीन नंबर देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग खालिस्तान क्रियाओं से अधिक जुड़े होते हैं, तो प्राथमिक क्रिया लिख लेना, प्राथमिक क्रिया। इसके बाद आपको चाय और रबड़ फसलों की कृषि खालिस्तान के अंतर्गत आती है, तो रोपण कृषि ए राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद महान से यहाँ पर महान शिल्प प्रौद्योगिकी प्रदेश खालिस्तान में स्थित है, तो आपको लिखना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद आवधिक बाजार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, तो ये आपको ग्रामीण में लगाए जाते हैं, तो ग्रामीण लिख लेना। बाकी लिखा लिखा उत्तर लास्ट में मिल ही जाएगा। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट ले लेना है, यहाँ पर सही जुड़ी देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर अ एवं ब देख लेना, यहाँ पर इस तरीके से बना लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद आप अ यहाँ पे देख सकते हो, मैं सही जुड़ी बहुत अच्छे से मिला देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो धार्मिक केंद्र, तो इसका आपको हो जाएगा जो कि दो नंबर पे है। भूरा खनिज ये आपको हो जाएगा लोह, जो कि एक नंबर पे है। सिख मधर्म इसका आपको हो जाएगा पंजाब हरियाणा में पाए जाते हैं। इसके बाद आपको द्रविड़ भाषा परिवार ये राइट आंसर आपको तमिलनाडु कर्नाटक के हो जाएगा। साक्षर संख्या का अनुपात इसका साक्षरता दर, तो ए टू जेड मैंने बता दिया। इस तरीके से लिखोगे तो पूरा नंबर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर भी आपको 6 अंक का होने वाला है। बाकी एक वाक्य में उत्तर देख ही सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जो कि मैं बोल दूंगा, तो लिख लेना, लिखा लिखा है, वीडियो के लास्ट में ही उत्तर मिलेगा। भारत की पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक छिपाई गई है, मतलब बिछाई गई है, तो असम से असम की नहर कटिया से बनौली के बीच, जो कि आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। इसे भारत में पाए जाने वाले लोह अयस्क के नाम क्या है, तो आपको हिमेटाइज एवं मैग्नेटाइज, ये राइट आंसर दो हो जाएगा, दो खदान है, दोनों का नाम मैंने बता दिया। यहाँ पर किन्हीं दो अलौह धात्विक खनिजों के नाम लिखना होगा, तो जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, अलौह धातु कौन कौन से हैं, दो के नाम बताना होगा, तो तांबा एवं बॉक्साइट ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत में भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपको हिमाचल प्रदेश, जो कि मानवीकरण में है, हिमाचल प्रदेश सीधे लिखना। वह आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन आयु वर्ग कौन सा है, तो आपको ये 15 से 15, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी मिला था, ये राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको सत्तर मिल जाएगा, जो कि सत्तर देखना होगा। और यहाँ पे मैं ए टू जेड बता देता हूँ, बाकी लिखा लिखा है तो लास्ट में मिल ही जाएगा उत्तर। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, मानव भूगोल के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपको असत्य है, जो कि नहीं किया जाता है। दो नंबर, मृत्यु दर अधिक हो जाने की औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, सत्य हो जाएगा, सही बात है। इसके बाद निम्न श्रेणी के अंगूरों को, यहाँ पे अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है, ये भी सत्य है। इसके बाद 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। नैनीताल एक पर्यटन स्थल है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग विकसित किए थे, ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे एक असत्य है, बाकी ए टू जेड सत्य है, ठीक है ना। इसके बाद इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट ले लेना है। ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्टेड होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर, उत्पादन जनसंख्या किसे कहते हैं, तो इसका आपको हो जाएगा उत्तर, मैं बोल देता हूँ, सुन लेना, बाकी लिखा लिखा उत्तर लास्ट में मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा उत्पादन जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का वह भाग है जो कोई काम करके जीविका अर्जित करता है, और इसके पूर्ण आयु वर्ग जो कि 15 से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या मानी जाती है। इसका मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव भूगोल में मानव और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपको 7 नंबर हो जाएगा, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा उत्तर, ये उद्योग जिसके उत्पादन को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण, मतलब कि आपको उसको निर्मित करके उसमें नई, मतलब कि मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है और उसकी रचना की जाती है, मतलब प्राथमिक वस्तु से, तो वो हो जाएगी, जो कि लिखा लिखा है उत्तर, तो लास्ट में मिल ही जाएगा। जिसे समझना आना तो लास्ट में देख लेना। बाकी यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख लेना है, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो परिवहन आपको यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, वैसे आपको यहाँ पर 3 प्रकार भी लिखोगे तो चल जाएगा। पहला हो जाएगा थल परिवहन, जो कि आपको पृथ्वी पर चलने वाला, यहाँ पे जल परिवहन, जो कि पानी में चलने वाला, वायु परिवहन, जो कि आकाश में चलने वाला। इसके बाद एक और एड कर सकते हो, पाइपलाइन परिवहन, जो कि पाइप के द्वारा सामान ले जाया जाता है। इसके बाद इस तरीके से हो जाएगा 8 नंबर, इसका व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, जो कि 8 का 8वां है, तो इसका मैं बता देता हूँ। जिन स्थानों पर उत्पादन वस्तुओं के क्रिया विक्रय द्वारा लाभ कमाने की दृष्टि से व्यापार कार्य होता है, उस स्थानों को व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ये व्यापारिक केंद्र गाँवों, कस्बों और नगरों में भी होते हैं, ये आपको हो जाएगा। इसके बाद चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो ये आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा, तो इसको मैं लास्ट में बता दूंगा, ए टू जेड देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, जो कि जब
चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबंध कर दिया जाता है, तो ये इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। महानगरों में स्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार होता है, जो कि आपको बड़े बड़े कस्बों में होते हैं अस्पताल, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, उसी को बोला जाता है। अथवा नंबर देख सकते हो, जो कि आपको 9 का अथवा है। इंटरनेट द्वारा सबसे अच्छी तरह जुड़े विश्व के 3 देशों के नाम बताना होगा जो कि अच्छी तरह से इंटरनेट पे हो। तो आप इसका पहला नंबर लिख सकते हो, जो कि मैं बता देता हूँ, जिन अस्पतालों पर, मतलब इसका पहला नंबर लिख सकते हो, नकातवा इंटरनेट द्वारा सबसे अच्छी तरह से जुड़े विश्व के 3 देश, जो कि इंडोनेशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 10 नंबर के पीछे महानगर क्या होते हैं और ये नगरी स्कूलों में किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो आपको यह महानगर बताना होगा। तो देखिए, इसका उत्तर वीडियो के अंत में मिलेगा। भारत में यहाँ पर नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण बताना होगा, तो आपको यहाँ पर इसको भी लास्ट में उत्तर मिल जाएगा। ग्रामीण व्यवस्था के प्रति रूपों के नाम बताना होगा बहुत अच्छे से। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो 11 नंबर है, ग्रामीण वस्तियों के प्रतिरूपों के नाम लिखना, जो कि 11 का बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण वस्तियों के प्रतिरूप हैं रेखी प्रतिरूप, गोलाकार प्रतिरूप, क्रॉस प्रतिरूप, तारे के आकार के प्रतिरूप, टी आकार के प्रतिरूप, बाकी A to Z आपको वीडियो क्लास में उत्तर मिल ही जाएगा। औद्योगिक नगर के किस प्रकार के होते हैं, मतलब किस प्रकार के होते हैं, तो औद्योगिक नगर आपको लास्ट में बताऊंगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, आपको 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, तो यहाँ पर गिरमिट एक्ट क्या है, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो क्लास में उत्तर मिलेगा। मेघालय में स्त्री विवाह कानून क्या है, जो कि 12 का अथवा है। तो मेघालय में आदिवासी समाज महिला प्रधान परिवार को महत्व दिया जाता है, अपनी सामाजिक परंपराओं के कारण स्त्रियों को विवाह के पश्चात मायके में रहना होता है, इसलिए वहाँ के भिन्न कानून बनाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा मेघालय की बात है, तो यहाँ पे अलग है, जो कि आपको लड़कियों के घर लड़कों को जाना पड़ता है शादी करके, और हमारे यहाँ पे जो कि लड़कियों को लड़कों के घर आना पड़ता है, तो यहाँ पे उल्टा कानून है, ठीक है ना। इसके बाद मेघालय में आपको ये नंबर बता दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे 13 नंबर है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके कोई 2 स्रोत बताना होगा। तो ये आपको हो जाएगा, जो कि आपको ध्वनि प्रदूषण बताना होगा 2 स्रोत, तो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि 13 नंबर है, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव को सहनी सीमा से अधिक तथा असहमत ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण तीव्र चलित मोटर वाहन हो जाएगा 2। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वायु प्रदूषण से प्रभाव से मानव के फेफड़े, हृदय, स्नायु तंत्र, रक्त परिभ्रमक आदि रोगों के शिकार हो जाते हैं, और जिससे उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। ये आपको एशिया में जनसंख्या वृद्धि कोई 4 महत्व बताना होगा, तो कोई 4 कारण बताना होगा। तो पहला हो जाएगा मृत्यु दर में भारी कमी, 2 हो जाएगा मृत्यु का विकास, और 3 नंबर औद्योगिक विकास, 4 नंबर परिवहन के साधनों का विकास, यही आपको हो जाएगा। अथवा नंबर हो जाएगा वायु संरचना को प्रभावित करने वाले कोई कौन कौन से कारक है, तो ये आपको हो जाएगा, जो कि 14 का अथवा है। तो आयु हो जाएगा आयु, तो इसका जन्म दर और यहाँ पे मृत्यु दर और प्रवास, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 15 नंबर आपके सामने रहा, जो कि आपके सामने देख सकते हो, उद्योग वर्गीकरण के आधार पर क्या है, तो इसको मतलब लास्ट में बताऊंगा। लघु उद्योग कोई 5 विशेषताएं बताना होगा, तटीय मैदानों की घनी जनसंख्या के क्या कारण है लास्ट में बताऊंगा, इन सभी का उत्तर। इसके बाद भारत में आई ग्रामीण की मुख्य विशेषताएं का उल्लेख करना होगा, ऊर्जा के परस्पर या परंपरागत और अपरंपरागत स्रोत में अंतर बताना होगा, धरातली जल और भौम जल में अंतर बताना होगा, खरीफ और रबी फसलों में स्पष्ट करना होगा अंतर, और चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक और दशाएं बताना होगा, और ये मानचित्र में हिंद महासागर, इंदिरा पाइप और ब्राजील का उत्पादन, मतलब इस सभी को भरना है, तो मैं वैसे भी बता रखा हूँ कैसे बनना है, और नक्शा भी दिखा रखा हूँ। तो चलिए दिखा देते हैं अपना उत्तर। फाइनली विद्यार्थी, तो यहाँ पर अपना उत्तर देख लेना है, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है, अ का 4था, ब का 2रा, स का 3रा, द का 2रा, ई का 2रा, ये आपको रहा भरना, सॉरी ऑब्जेक्टिव, ये भरना रिक्त स्थान पहले, 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 6वां। इसके बाद सही जोड़ी देखना है, कालम कालम ब देखना है, और सीधा सीधा आपको मिलाना है तो मिला देना। इसके बाद आपको यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, जो कि मैंने बोला था कि लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ले लेना, ये रहा। इसके बाद आपको सत्य अथवा सत्य लिखना होगा, तो ये भी देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, तो 6 नंबर स्क्रीनशॉट लेना होगा, 6 एवं 7 एक स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, ये आपको 8 हो गया, ये 8 का अथवा और 9 एक में हो जाएगा।
इसके बाद 10 का आठवां सही आ जाएगा, एक स्क्रीन शॉट में उत्तर का स्क्रीन शॉट। इसके बाद 11 नंबर देख लेना और 12 नंबर एक ही स्क्रीन शॉट में। इसके बाद आपको 12 का आठवां और 13 देख लेना एक स्क्रीन शॉट में। इसके बाद आपको 14 14 का आठवां एक स्क्रीन शॉट में हो जाएगा, ये आपको 15 हो जाएगा। और ये आठवां नंबर देख लेना यहाँ पर, ये आपको 16 नंबर 16 का आठवां स्क्रीन शॉट लेना, ये आपको हो जाएगा जो कि 17 नंबर। इसके बाद 17 का आठवां धरातली बम, इसके बाद ये अच्छे से देख लेना। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन, वो खरीफ एवं रवि फसलों में अंतर लिखना होगा, इसको स्क्रीन शॉट ले लेना है। इसके बाद चाय की खेती ये भौगोलिक दशाएं देख लेना है। इसके बाद ये आपको जो कि नक्शा मैंने बोला था कि देख लेना था, इसको देख लेना। और ये 20 नंबर था, दोनों नक्शे को देख लेना और इसको भर लेना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो ले जाइए।